और अमरजीत भगत के ठिकानों पर आईटी के छापे को लेकर बीजेपी का रिएक्शन भी सामने आया है। बीजेपी के प्रवक्ता नलनेश ठोकने ने आरोप लगाया कि उन्होंने गरीबों का चावल खाया है, अब उनके भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई हो रही है। नलनेश ने यह भी कहा कि जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया सब पर एक्शन होगा। अमरजीत जी के ऊपर जो छापा पड़ा है वो गरीब होने के कारण नहीं पड़ा है, छापा इसलिए पड़ा है कि उन्होंने गरीबों का राशन डकारने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं की। भारतीय जनता पार्टी शुरू से जब इनकी सरकार थी बताती थी कि 500 करोड़ रुपए के घपले घोटाले आपके विभाग में चल रहे हैं, इन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। छापा उसी तारतम्य में लगता है कि जो गरीबों का राशन डकारा गया है, 500 करोड़ रुपए की हेरा फेरी की गई है। मोदी जी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसी का परिणाम है कि आज दोषियों पर कार्रवाई हो रही है, आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है। अगर ये समय रहते कार्रवाई कर देते तो आज उनको इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। तो लगातार ये इस कार्रवाई को लेकर एक्शन रिएक्शन का सिलसिला चल रहा है। रायपुर सीधे आपको लिए चलेंगे, सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे और ज़्यादा जानकारी लेंगे किस तरह से छापे चल रहे हैं। ममता, 36 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, छापे की कार्रवाई लगातार चल रही है और जितना आईटी का एक्शन है उससे ज़्यादा नेताओं का रिएक्शन है। ममता बिल्कुल, देखिए जब भी इस तरह के छापे पड़ते हैं तो उसके साथ ही जो सियासत है वो भी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में ईडी और आईटी के छापे जो है वो कुछ नए नहीं है और उसके नाम पर राजनीति भी कुछ नई नहीं है। अभी अगर हम बात करें तो जब कांग्रेस सरकार में थी तब भी इस बात को लेकर लगातार आशंकाएं बनी हुई थी। उनका जो बयान आते थे कांग्रेस के लीडर्स के कि आईटी और ईडी के जो अधिकारी हैं वो गली गली घूम रहे हैं, खुद पूर्व मुख्यमंत्री ये कहते थे। उन्होंने तो तंज भी कसा था कि जो आईटी और ईडी के अधिकारी हैं उन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन छत्तीसगढ़ में करा लिया है। तो इस तरह की बातें जो है वो हमेशा से आती रही हैं, लेकिन ये जरूर है कि राशन घोटाले को लेकर और कोयला घोटाले को लेकर लगातार जो है वो कांग्रेस सरकार को घेरा जाता रहा है और अभी इसी कड़ी में जो छापे मारे गए हैं। और इसके अलावा भी अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कई आईएएस जो है जैसे कि आरानू साहू है उन पर नामजद जो है वो एफआईआर दर्ज हुई है और इसके साथ ही सौम्या चौरसिया जो है वो लगातार जेल में है, रानू साहू जेल में है। तो ये एक बड़ा जो है पूरा इस पूरे मामले को लेकर अगर हम बात करें तो लंबे समय से कार्रवाई जो है वो जारी है। आज दूसरे दिन भी अमरजीत भगत जो है अमरजीत भगत के घर में लगातार कार्रवाई जारी है और करीबन डेढ़ दर्जन से ज्यादा सुरक्षाकर्मी बाहर तैनात है। इनफैक्ट उनका जो सामने ऑफिस है सरगुजा कुटीर वहां पर भी किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। अमरजीत भगत की जो सिक्योरिटी है पूर्व मंत्री के तौर पर उन्हें भी बिल्कुल अलग रखा गया है और वो सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति में है। कल थोड़ी देर के लिए अमरजीत भगत बाहर निकले थे लेकिन आज वो भी नहीं निकलने दिया गया है। जो जो सीआरपीएफ के जो जवान है उनका वो उनसे हमने बात की तो वो जब से गए थे कल सुबह 6 बजे से तब से लेकर एजेंट की जहां पर ड्यूटी दी गई है वो वहीं पर तैनात है और लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। अब किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, न किसी को अंदर से बाहर जाने दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलने वाली है उससे बीजेपी घबरा गई है और उसको लेकर एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सियासत जो है वो इस तरीके से जारी है। जी चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम चल रहा है। इधर